हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स दिस इज़ मॉड्यूल नंबर 15 एंड हेयर वी आर गोइंग टू कवर फंडामेंटल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली दिस इज कलेक्शन समराइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ठीक है तो इसको अब हम थोड़ा सा जो इसके जो चीज़ें हमने पहले भी कुछ जैसे जो फर्स्ट पार्ट था वो था ज़्यादा आपका इंट्रोडक्टरी बड़ा टॉप लेवल था अब हम थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में लेके जाएंगे इन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स अब भैया जो तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन की बात की मीन इज बेसिकली एवरेज किसी भी चीज़ की जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन है जिसको एक चीज़ को देख के आप बता सकें टू बिल्ड अप योर ओपिनियन अबाउट डेटा कि ये अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एवरेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स इज दिस इन दिस क्लास और इन दिस स्कूल तो ये मेरा बेसिकली मीन है मीडियम बेसिकली ये ये करता है कि आपका क्योंकि एवरेज जो है टोटल को आप हैं नंबर ऑफ काउंट्स पे डिवाइड करते हैं मीडियम इज डिफरेंट इसमें आप ये करते हैं कि आपके जो पूरा डाटा है उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि हायर हिस्सा कौन सा है और लोअर हिस्सा कौन सा है और बिल्कुल मिडल वैल्यू है दैट इज योअर मीन जो मोड है वो बेसिकली है नंबर ऑफ रिप्रजेंटेशन जो कोई एक डाटा की वैल्यू फर्ज करें कि आपके सौ स्टूडेंट्स हैं उसमें से पचास ए ग्रेड लेते हैं तो जो मोड और बाकी जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ए बी सी डी तो जो मोड ऑफ द एवरेज या ग्रेड इज़ वो आपका ए होगा इसी तरह कोई और ग्रेड जो सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो वो उसको हम मोड कहेंगे एंड आप जब देखेंगे तीनों चीज़ें उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके जो भी पॉपुलेशन या डाटा लेकिन तीनों की जो अंडरस्टैंडिंग है जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ डिफरेंट इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस को वेरियंस को रिलेशन और रेंज की भी हमने बात की तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वेरिएंस क्या है हमारा को वेरियंस क्या है को वेरियंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेरियंस तो हमने ऑलरेडी किया तो कोवेरियंस बेसिकली है जहाँ पे एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल्स हो अगर आप किसी एक वेरिएबल को सिर्फ मैयर करते हैं तो वो उसका जो डाटा स्प्रेड है दैट कैन बी मैय विद द वेरियंस लेकिन अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स को आपने करना है तो देन इट बिकम्स कोवेरियंस जैसे कि स्टूडेंट का ग्रेड और उसका मे बी एज ग्रुप उसकी एथनीसिटी उसकी फैमिली इनकम दीज कुड बी दी अदर वेरिएबल्स और जब आप उनको मिला के एक मैट्रिक्स बना के उसके ऊपर अनैलिसिस करते हैं तो दैट बिकम्स को वेरियंस और उसके ऊपर जो अनैलिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं अनालिसिस ऑफ को वेरियंस इसी तरह कोरिलेशन है कोरिलेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल अपॉन दी अदर अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है को वेरियंस ऑफ को रिलेशन आर डिफरेंट थिंग्स को रिलेशन में डिपेंडेंसी होती है को वेरियंस में डिपेंडेंसी नहीं है वहाँ हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा के अंदर क्या चेंज आ रही है हम डिपेंडेंसी नहीं देखते जबकि को रिलेशन में जो कि नाम से भी आपको पता चलता है कि रिलेशन क्या चीज़ों का आपस में अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी कि जैसे फैमिली इनकम क्या जो बच्चे का ग्रेड है उसका फैमिली इनकम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है तो दिस इज़ कोर रिलेशन इसी तरह फिर रेंज है रेंज में भी ये कि जो डिफरेंट आपके जो जैसे हमने बात की थी कि ग्रेड ए है बी है सी है डी है या खुदा ना खास्त एफ है, है तो वो किस तरह से पूरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके वो पूरी रेंज किस तरह से है आपके जो डिफरेंट आपके जो क्वार्टाइल या परसेंटाइल या वो डिसाइल्स हैं उनकी जो डाटा के अंदर वो चीज़ें कैसे स्प्रेड हैं कि फर्स्ट टेन परसेंट कौन से अगले टेन परसेंट कौन से हैं और आखिरी टेन परसेंट कौन से ये बेसिकली आपकी जो रेंज है उसको इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करता है इंटर क्वार्टाइल रेंज अब जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये बेसिकली आपकी वो यही कि जो एक क्वार्टाइल है जैसे हमने बात की थी कि ये फर्ज़ करें मैं चार क्वार्टाइल है मेरे पास फर्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर उससे अगले ट्वेंटी फाइव परसेंट और फिर आखिरी ट्वेंटी फाइव परसेंट अब ये जो सारे ये जो रेंज है एक क्वार्टाइल से दूसरे क्वार्टाइल तक इसका मतलब क्या है इसका मकसद क्या है और ये चीज़ किस तरह से हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है या जो अगेन हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स की उसी पे ही लेट्स फोकस ऑन द सेम डेटा और तो मकसद इसका ये कि ये जो चार क्वार्टाइल टाइल में इसको डिवाइड किया गया क्यों किया गया और इससे जो यूनिवर्सिटी की या स्कूल की मैनेजमेंट है या पेरेंट्स हैं वो क्या रिजल्ट वो उससे अचीव कर सकते हैं अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है फ़र्ज़ करें ये हमारा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम था मैट्रिक के अंदर एक लाख या दस हज़ार या बीस हज़ार स्टूडेंट्स ने जब एग्ज़ाम दिया उसका जो रिज़ल्ट आया या इवन जो एग्ज़ाम देने वालों की जो पार्टिसिपेशन है उसको भी हम कर सकते हैं अर्बन फिफ्टी परसेंट थे नो इट शुड बी मोर सिक्सटी सेवेंटी परसेंट हमारे अर्बन है बाकी थर्टी परसेंट हमारे रूरल है अब रूरल को मैं कहता हूँ मैं चार ही सौ में डिवाइड कर दूँ कि जी ये मेरा रूरल है जो करीब है शहरों के या वो रूरल है जो कि फार एरियाज़ हैं हमारे रिमोट एरियाज़ फर्ज करें सदर पंजाब है या और कई एरियाज़ हैं जो कि दे वेरी फार रिमोट एरियाज तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अर्बन एरियाज़ में क्या है और फिर उनके जो रिज़ल्ट हैं तो बेसिकली जो चार क्वार्टाइल हैं उनको हम पॉपुलेशन पे भी कर सकते हैं डिवाइड या एलोकेट कर सकते हैं उसके स्प्रेड को देख सकते हैं फिर हम उनके रिज़ल्ट को देख सकते हैं हम उनकी इनकम को देख सकते हैं उनका इंटरेस्ट देख सकते हैं डिफरेंट जो एरियाज है हमारे उनके अंदर वो किस तरह से है बेसिकली तो डिस्क्रिप्टिव जस्ट टू समराइज जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसके जो फंडामेंटल्स हैं अगेन दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स वी आर नॉट यूजिंग एनी एस्टिमेशन और प्रोडिक्शंस और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके जो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनको देखते हैं जिसके अंदर मीन मीडियन मोड आ गया हम उनके जो डाटा uh, की जो स्प्रेड है डिस्पर्शन है उसको देखते हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड एवियेशन वेरियंस और आपके जो दूसरे uh, को रिलेशन है को वेरियंस है ये चीज़ें आ जाती हैं फिर हम उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन uh, है डेटा की या डेटा का जो स्प्रेड है उसको देखते हैं जिसके अंदर क्वार्टाइल्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके वो आ जाते हैं अपना परसेंटाइल वगैरह तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो मॉड्यूल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इनशा आई सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल